गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा बेटा रिजल्ट आपका? ठीक था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहोगे? माय नेम इज चिराग लश्कर, आई स्टडी इन क्लास 9th बी। अच्छा, कितना स्कोर किया आपने अभी एग्जाम में? 95%। 95%, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ? सर जो 95% बने हैं चिराग के, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, विद्यालय ने जो किया है, शिक्षकों ने पढ़ाया है तो नंबर आए हैं। जी जी, घर वाले भी करते हैं। अच्छा, मतलब एजुकेशन जो यहाँ पर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में चल रही है उससे आप सेटिस्फाइड है? मतलब बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा हाँ सर, साथ साथ में एजुकेशन तो खैर अपने यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि अच्छा है ही सही, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में भी जो स्कूल है वो जो है यहाँ पर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स होते रहते हैं, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है सर? बिल्कुल, स्कूल अच्छा होता है एक्टिविटी का, खेल कूद वगैरह बच्चों का शारीरिक होना चाहिए, होता है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं होता है, वो जरूरी है। मतलब अगर अपन बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की बच्चे की, तो सर यदि मैं मार्किंग की बात करूं तो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, यदि इनको मिलाकर आप 10 में से स्कूल को अगर नंबर देना चाहेंगे तो सर कितने नंबर देंगे आप? 10 में से 10 ही मिलेगा। 10 में से 10 देंगे सर। थैंक यू सो मच सर। वी आर हियर विद टॉपर ऑफ क्लास 11 साइंस, राइट? रोहित, रोहित वुड लाइक टू स्पीक अबाउट, फर्स्ट यू शुड स्पीक अबाउट योरसेल्फ। माई सेल्फ रोहित वर्नासिया, आई एम फ्रॉम क्लास 11th, आई गेट 93% इन क्लास 11th एंड गेट फर्स्ट रैंक। सेम रिजल्ट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन द नेक्स्ट क्लास। So what is your roadmap or what is your planning to achieve such kind of success in class 12th as well? My plan is to cover all basics in the summer vacation and then continue with the school in the next session. Any special thing, any special strategy to crack 12th class exam with the same marks? No special strategy, only consistency and hard work. Only consistency and hard work. Very good. I wish that you got more than this guy number. Thank you. हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 9th और 11th क्लास का एनुअल रिजल्ट है, तो हम चलते हैं हमारे बहुत ही क्रिएटिव और मोटिवेशनल हमारे प्रिंसिपल सर के पास। हम चाहते हैं कि सर एक 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चे जो अब 10th और 12th में जाने वाले हैं उनको अपनी तरफ से कोई मैसेज दें, तो आइए हम मिलते हैं हमारे प्रिंसिपल सर से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एंड सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप 9th और 11th क्लास के बच्चों को जो अब बोर्ड की क्लासेस फेस करने वाले हैं? First of all, I would like to say thank you for awarding me a title that I am a motivational and creative kind of person. And for the student, those who are coming in the class 10th and 12th, they are coming for board, they are going to appear in board examinations. So they need to be very serious about their study. I would like to suggest that they must plan their studies, they must plan their syllabus, complete syllabus, and they should divide that complete syllabus in a particular time period that we will going to cover this particular task, this particular syllabus in this time, this particular syllabus in this time, and they should divide their work, and accordingly with that plan they should study so that they can earn or they can get good marks in their board examination. This is what I wish that the student will follow. Thank you sir, thank you for your meaningful message. स्टूडेंट्स की तरफ से और सारे टीचर्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा मैसेज बच्चों को दिया ताकि वो और मोटिवेट होकर और आपसे कुछ प्रेरणा लेकर और कुछ अच्छी तैयारी में लगेंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं जैसा कि मैंने अभी कहा कि भी बच्चों को प्लान कर लेना चाहिए अपना सिलेबस और उसको डिवाइड करके जो है पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करना चाहिए। मैं मार्क्स माइंडेड नहीं हूँ, ना होना चाहिए, ना ही कभी ये ज़्यादा सोचना चाहिए कि ठीक है कभी मुझे 2-4 नंबर कम या ज़्यादा आ गए तो उसका चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हैं, पर्टिकुलर किसी काम में हैं, तो एक
एक कंपटीशन वाली फीलिंग तो आप में होना चाहिए कि मैं अच्छा करूं, कोशिश अच्छा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश जरूर होना चाहिए। ये मेरे आपसे भी, बच्चों से भी, सभी से, सभी को मेरा जो है मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा बीइंग ए प्रिंसिपल, मैं आपको निर्देश देना चाहूंगा कि ऐसा करें। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर, कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक, आपका 97% बना है। सर आप क्या कहना चाहेंगे टीचरों के लिए? वो मतलब अच्छा पढ़ाई करवाते हैं टीचर, और अच्छे मतलब बहुत अच्छे स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, और दिन भर पढ़ाई भी, ये भी बहुत मेहनत करता है। सर ये तो एजुकेशन की बात हुई, एक्टिविटीज़ या अदर जो भी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पर, मतलब यहाँ पर खेल कूद और बहुत सारे साइंस के प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, मतलब बच्चों को बोर टाइम नहीं लगता ऐसा। सर ऑल आवर्स एक्टिविटीज़, पढ़ाई वगैरह सबको लेके यदि मैं आपसे बोलूँ कि हमारे स्कूल को 10 में से मार्क दिए, हाँ तो 10 में से 10 ही आएंगे। थैंक यू सो मच सर। आगे दीपक, आगे ये तो 9th क्लास है, आगे 10th के लिए आपने क्या मतलब क्या प्लानिंग है आपकी? मैम हमने सोचा है 10th में अब वो 90% बने और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। वेरी गुड, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग खुशी। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा बेटा रिजल्ट आपका? ठीक था। क्या परसेंटेज रहा आपका? 90% खुशी के 90% है साइंस स्ट्रीम में, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन खुशी, और आई थिंक यही कंसिस्टेंसी अपने को रखना है बेटा 12th क्लास में भी, है ना? 90% तो लाना ही है अपने को। सर कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, स्कूल के बारे में क्या विचार है सर आपके, कैसा रिजल्ट है खुशी का, और जो एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स वगैरह जो यहाँ होते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सर देखिए, स्कूल तो बहुत अच्छा है, और बाकी यहाँ की जो फैकल्टीज़ है, जो सर है हमारे, स्पेशली जो बायोलॉजी और अपने साइंस के जो जितने भी साइंस के टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बाकी जो फैसिलिटीज़ जैसे गेम्स वगैरह हो गए, अपने पास अच्छा एक ग्राउंड भी है, मतलब ओवरऑल अपना जो है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें बहुत अच्छा है सर पूरे एरिया में। अच्छा सर, अगर ओवरऑल डेवलपमेंट में ही अगर मैं आपसे मार्किंग की पूछूं कि अगर 10 में से आपको मार्क्स देना हो तो आप कितने मार्क्स देंगे सर? स्कूल को या सर? स्कूल को सर। सर देखिए सर, अपना स्कूल अभी ये एरिया में फुली डेवलप्ड है, जैसे अपने दो ब्रांचेस है, एक ये वो वाला और एक ये वाला, तो जैसे दोनों को कंपेयर करेगा ना तो वो 10 to 9 दे सकते हैं अपने स्कूल को। 10 in 9। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपना इंट्रोडक्शन दोगे? माई सेल्फ नयन पटिया फ्रॉम क्लास 11th कॉमर्स। कैसा रहा रिजल्ट आपका? सर अच्छा रहा। अच्छा रहा। सर आप कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? जी मैं खुश हूँ यहाँ पे बच्चे को एडमिशन करवा के, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एंड नो कंप्लेंट विद मी। ओके सर, यू आर ट्राइंग वेरी बेस्ट। आप सेटिस्फाइड है सर स्कूल की जो एक्टिविटीज़ वगैरह है, एजुकेशन वगैरह है सर? ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देवराज 91% बने हैं आपकी, तो क्या आगे ये 9th में बने, 10th के लिए आप क्या मतलब सोचते हैं आगे आपको क्या करना है, 10th के लिए कैसी प्रिपरेशन करना है, कैसी पढ़ाई करना है? 10th में अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना है, एक ठीक अमाउंट में देना है घर पे, और थोड़ा कम करना है अपनी बुरी आदतों को। सर आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टीचर सब स्टाफ अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। सर अगर मैं ऑल ओवर्स पूछूं आपसे कि सारी एक्टिविटीज़, पढ़ाई, टीचर, मैनेजमेंट, इसके लिए अगर मैं आपको एक मार्किंग दूं कि 10 में से आप हमें कितने मार्क बताएं? 10 में तो 10 देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग वैभव। गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा बेटा रिजल्ट आपका? सर अच्छा रहा। कितना परसेंट सिक्योर किया आपने? 86%। 86%, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 86% इज़ गुड परसेंटेज। सर स्कूल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अच्छा स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे के लिए जी। स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़, एजुकेशन जो भी जो आप देखते हैं जो स्कूल में चल रहा है उससे सेटिस्फाइड है सर आप? हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा सर स्कूल को यदि सारी चीज़ों में ओवरऑल एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, उसमें अगर आपको 10 में से मार्किंग करना है तो कितने मार्क्स देंगे आप? सर 10 मार्क। 10 में से 10 मार्क्स? ठीक है सर, थैंक यू सर। हीरामणि, एज आई नो दैट यू आर गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 9th, एंड आई जस्ट वांटेड टू नो मोर अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th। सर एक्चुअली आई वांट टू इंक्रीज माय प्रैक्टिस बिकॉज दिस ईयर द परफॉर्मेंस विल नॉट बेटर।
for not up to your marks. Yes, sir. You are at a second second position in the class. I know that you are you have the topper's mentality, and you always want to be the topper in the class. I know, but now the next year is class 10th, and you are supposed to be the topper in the city, in the state, likewise. So, do you have any preparation for that? No, sir. Any strategy? Yes, sir. Yes, what kind of strategy? Sir, I would don't give chance to anyone to tell me that you can't score good marks. That's why I will prepare more than the 9th class. Okay. Well, we can just try. Result is not in our hand. Yes. Anna, so try it in very positive manner. Yes. Thank you. गुड मॉर्निंग पायल. गुड मॉर्निंग सर. बेटा क्या सिक्योर किया आपने, कितना परसेंट आया आपका? 98% इज अ गुड परसेंट. मैम, आप जो पायल का रिजल्ट आया है इससे खुश है? हाँ, खुश है सर. अच्छा, स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा स्कूल है और सर टीचर भी अच्छे हैं. हाँ, मतलब जो भी अच्छा ध्यान देते हैं, जो भी ओवरऑल एक्टिविटीज एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटीज़ है, जो भी स्कूल्स में हो रही है, और जो पायल जो भी सिक्योर कर रही है, उसके लिए आप सेटिस्फाइड है मैम? हाँ, अच्छा कर रही है. हाँ, गुड मॉर्निंग निहारिका. गुड मॉर्निंग सर. बेटा अपना इंट्रोडक्शन दो और बताओ कि कितना परसेंट सिक्योर किया आपने 9th क्लास में. ओके, हेलो, माय नेम इज निहारिका, आई स्टडी इन क्लास 9th सेक्शन बी, एंड माय लास्ट ईयर रिजल्ट इज 76% एंड नाउ आई गॉट 86% एंड आई हैव सीन मैनी इम्प्रूवमेंट इन माई रिजल्ट, सो आई विल वर्क हार्ड एंड गेट मोर मार्क्स. सर, आप कुछ कहना चाहेंगे स्कूल्स के बारे में कि कैसी क्या एजुकेशन चल रही है निहारिका की, स्पोर्ट्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर? स्कूल तो अपना ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है जी. एक्टिविटी भी बहुत शानदार है, पिछले साल से अच्छा रिजल्ट रहा है. 80 का सोचा था और 86 बने हैं जी. अच्छा लगा, थैंक यू. निहारिका के बारे में सर, निहारिका की जो पढ़ाई वगैरह चल रही है या दूसरी स्किल्स में जो है निहारिका कुछ आगे कर रही है कोई दूसरी फील्ड में भी, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बढ़िया एंकरिंग कर रही है, वो भी वीडियो आते रहते हैं उसके यूट्यूब पे आपके गुरुकुल के इस पे जी. तो घर वाले भी काफ़ी खुश हैं, बढ़िया अच्छा लगा. ठीक है सर, थैंक यू सर. सर, स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, रिजल्ट के बारे में जो भी आप कहना चाहें? सर, स्कूल का तो बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है, खेल कूद में भी अच्छा है, सब अच्छा है जी. बाकी अभी क्या छोटे स्कूल से आई है बच्चे तो थोड़ा रिजल्ट कम बना है, पर ठीक है, आगे कवर कर लेगी. सर, अगर स्कूल को आपको 10 में से मार्क्स देना हो, स्पोर्ट्स जो है, एक्टिविटीज़ जो है, एजुकेशन जो है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का अपन कर रहे हैं, उसमें यदि 10 में से आपको मार्क्स देना हो तो आप स्कूल को कितने मार्क्स देंगे? सर, 10 में से 10 ही देंगे. क्या अच्छा है स्पोर्ट्स में, खेल कूद में अच्छा है, बच्चों को अच्छा रखते हैं, यूँ कहीं कोई दिक्कत वाली बात. आप सेटिस्फाइड है स्कूल के एटमोसफियर से? जी सर. ठीक है सर, थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. कैसा रहा रिजल्ट आपका? पहले तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है और फिर थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बताना है. सर, माय नेम इज़ कुंदन चौधरी, माय फादर नेम इज़ राकेश चौधरी एंड माय मदर नेम इज़ शकुंतला बाई चौधरी. माय फादर इज़ अ फार्मर एंड माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ. आई स्टडी इन क्लास 9th फेम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल. एंड रिजल्ट क्या रहा आपका? सर, 70%. 70%? यस सर. इट इज़ अ गुड परसेंट. यस सर. सर, स्कूल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, जहाँ पर जो एजुकेशंस है, एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, तो कुछ स्कूल के बारे में आपके क्या विचार है? सर, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं. सर, स्कूल की एजुकेशन पॉलिसी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह है, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर. आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर कि और कुछ अपन सुधार कर सके स्कूल में? सर, वैसा तो मेरे को कुछ नहीं लगता, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, बच्चे अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए. ओके सर, थैंक यू सर. ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग सर. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपना. माय नेम इज़ अभिषेक चौधरी, आई एम फ्रॉम मक्सी, आई एम स्टडी इन क्लास 9th सेक्शन है. अच्छा, क्या रिजल्ट रहा बेटा आपका? सर, 90% है. 90%? अरे वाह. सर, आप कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? स्कूल के बारे में तो बढ़िया रेपुटेशन है सर. पहले ये MP बोर्ड में यही सेम ब्रांच जो थी फेम गुरुकुल, उसमें पढ़ता था. वहाँ से निकाल के CBSE में किया. वो प्रिंसिपल सर के गाइडेंस में
जो भी बच्चे हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। और ज़्यादा तो क्या बोलूँ, एक बेटी और है फिफ्थ क्लास में, उसको भी इस साल इस स्कूल में करना है। जी 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 सर, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह स्कूल की है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? पढ़ाई से रिलेटेड ज़्यादा है। हाँ, पढ़ाई स्पोर्ट्स वगैरह सब में मतलब? हाँ वो तो है ही सही, पर बच्चों को किस हिसाब से टेकल करना, किस हिसाब से हैंडल करना, वो चीज़ प्रिंसिपल सर के नेतृत्व में मिली। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के आप अच्छे सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेनापति बहुत अच्छा है तो बाकी सब सैनिक भी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके।